पीएस क्लासेस में आप सभी के भारी डिमांड पर लगातार लेकर प्रेजेंट हो रहा है आपका अपना पीएस क्लासेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1000 क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे बाहर किसी भी परीक्षा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो पीएस क्लासेस का ये प्रॉमिस है, इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाला नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस महामैराथन के सफ़र को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ एक्टिव एट नाइट, लूनल होगा, सोलर होगा, पेसिमिस्ट होगा या नॉक्टर्नल हो सकता है। दैट इज़ एक्टिव एट नाइट, जो रात में एक्टिव होता है, दैट इज़ एक्टिव एट नाइट, उसके लिए एक वर्ड्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका जो वर्ड्स होगा नॉक्टर्नल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉक्टर्नल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वन बताने की कोशिश करिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसके बारे में बताना है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, सेरेमिक्स होगा, फिजिक्स होगा, पायरोटेक्निक्स होगा या लिंग्विस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर आपको बताना है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा सीधे हो जाएगा, पायरो वर्ड जो होता है वो फायर की तरफ मतलब आग के बारे में बताता है, पायरोटेक नेक्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए झूम करके सेशन को शेयर करते रहिए और वर्ड जो है आंसर देते रहिए। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय पर्सन, मेडन स्पीच होगा, इनऑगुरल स्पीच होगा, ट्रायल स्पीच होगा या मैराथन स्पीच होगा, क्या कहा जा सकता है डियर। तो यहाँ पर अगर पहला स्पीच आपका है तो मेडन स्पीच विल बी द करेक्ट आंसर, मेडन स्पीच विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, पोलैंड्री बोलेंगे, पोलोगेमी कहेंगे, कैटाक्लाइज्म कहेंगे या पोलीगैनी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होना चाहिए डियर फ्रेंड्स वो राइट ऑप्शन आपका होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलैंड्री विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एक बार थर्ड क्वेश्चन को पुनः देख लेते हैं। तो थर्ड में आपने क्या बताया था, मेडन स्पीच होता है, फोर्थ में आपने कह दिया ए ही होगा सर, पोलैंड्री विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, डेमोक्रेट होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, ऑटोक्रेट होगा या फैनेटिक होगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आप बता दीजिएगा ऑटोक्रेट होता है, ऑटोक्रेट उसे कहा जाता है। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स ऑटोक्रेट कहा जाता है, इट्स ओके। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ अर्थ क्यूक्स, सिस्मोलॉजी कह सकते हैं, इटाइमोलॉजी कह सकते हैं, इटाइमोलॉजी कह सकते हैं, एंथोनोलॉजी कह सकते हैं, वायरोलॉजी कह सकते हैं। तो जो अर्थ क्यूक जो आता है उसका जो स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर, सिस्मोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबटल डिफरेंट इन कलर मीनिंग इट्रासा, न्यून्स बोलेंगे, वायरियंट बोलेंगे, इनडिफरेंट्स कह सकते हैं, चेंज ओवर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है इसके बारे में आपको जवाब देना है सेवन का। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा हमारा राइट ऑप्शन होता है न्यून्स हो जाएगा, सबटल डिफरेंट इन कलर मीनिंग इट्रासा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, स्टैटिक, रिवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव, इवोल्यूशनरी, क्या कहा जा सकता है। तो इसका जवाब आप दीजिएगा क्या कहा जा सकता है एट क्वेश्चन का, चलिए बताइए फटाफट, कंजर्वेटिव विल बी द करेक्ट आंसर, कंजर्वेटिव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट, हैविंग नो बिगनिंग आर एंड टू इट्स एग्जिस्टेंट, हैविंग नो बिगनिंग आर एंड टू इट्स एग्जिस्टेंट, इंटरनल, ऑब्स्क्योर या क्या कहेंगे, यूनिवर्सल या इमेजरेबल, व्हाट कैन यू से। तो डियर यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा
वो आप चले जाइएगा, इंटरनल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? इंटरनल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपसे पूछा है, इसको ध्यान से देखिए। हैविंग नो बिगनिंग और एंड टू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, केयरफुल नॉट टू से और डू एनी थिंग्स रॉन्ग। केयरफुल नॉट टू से और डू एनी थिंग्स रॉन्ग, डिसिसिव होगा, डिलीजेंट होगा, डिस्क्रीट होगा या डिस्क्रीट होगा, क्या कहा जा सकता है? तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा। राइट ऑप्शन आपका होगा डिस्क्रीट होता है। राइट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क, डिस्क्रीट विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर लेते रहिए और क्वेश्चन को भी देखते रहिए, जो आ रहा उसका जवाब भी देते रहिए। नेक्स्ट वन, महामैराथन में आपका अपना पीएस क्लासेस सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता है। थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास। डल होगा, डार्क होगा, ऑब्स्क्योर होगा, अपाक्यू होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, जहां से प्रकाश पास नहीं कर सकता है, उसके लिए एक वर्ड्स आपको बताने हैं। तो इसके लिए बोलते हैं अपाक्यू विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर डेनमार्क विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्यारे साथियों, सेशन को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। साइकोफेंट होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, साइनिक होगा, पेसिमिस्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं आशावादी। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं आशावादी। तो आशावादी जो होता है उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी आपका सही हो जाता है, ऑप्टिमिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन आपको बताने हैं। लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन अबंडेंस, मतलब एपिलॉग होगा, फर्टाइल होगा, ग्रेगेरियस होगा या बैरन होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन अबंडेंस को हम क्या कहेंगे? जहाँ पर प्रचुर मात्रा में चीज़ों को उपजाया जाता है तो फर्टाइल होता है, उपजाऊ भूमि होती है। कौन सी भूमि हो जाएगी? उपजाऊ भूमि, जिसको हम बोलेंगे फर्टाइल। क्या कह सकते हैं? फर्टाइल कहा जा सकता है। प्यारे साथियों, झूम करके सेशन को शेयर करते रहिए। महामैराथन में आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना पीएस क्लासेस हार्दिक स्वागत करता है। नेक्स्ट वन, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप बताइए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज क्या कहा जाता है? कीड़ों मकोड़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सीधे यहाँ पर आप जवाब देने की कोशिश करिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इंटोमोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। इंटोमोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 14 का आप बी कहेंगे। क्या कहेंगे? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, उसे हम क्या कहेंगे? सिनोनिम्स कहेंगे, होमोफोन कहेंगे, एक्रोनिम कहेंगे, होमिनाइमन कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? तो आप जानते हैं कि अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड्स बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग तो अलग होगी लेकिन एक ही तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तो उसे हम बोलते हैं होमोफोन। क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर, होमोफोन कहा जाता है। चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस मेंटल इलनेस दैट कॉजेज देम टू बिहेव इन ए वायलेंट वे टुवर्ड्स अदर। क्या कहा जा सकता है? पास्टोरलिस्ट कह सकते हैं, साइकियरिस्ट कह सकते हैं, साइकोपैथ कह सकते हैं, फिलिस्टीन कह सकते हैं। इसका जवाब आपको देना है, इसका जवाब आपको देना है डियर फ्रेंड्स, क्या हो सकता है? तो यहाँ पर प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं, क्या कह सकते हैं? साइकोपैथ बोलते हैं। क्या कह सकते हैं? साइकोपैथ विल बी द करेक्ट आंसर। 16 का सी हम ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे? साइकोपैथ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके डियर, फटाफट आपको जवाब देते रहना है और सेशन में बने रहना है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोइट्री, एंथोलॉजी, वोकैबुलरी या डायरेक्टरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, 17 का आपको जवाब देना है। तो जो अ कलेक्शन ऑफ पोएम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या कहते हैं?
एंथोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स विल बी, क्या कर सकते हैं, विल बी नोन एज एंथोलॉजी। नेक्स्ट वन, प्यारे साथियों सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और आराम से जो है बातों को सुनते रहिए। अ लाइट सो मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विथ अ सोल मेड ऑफ रोप, अ लाइट सो मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विथ अ सोल मेड ऑफ रोप, एडिफिस कहेंगे, ट्वीट कहेंगे, स्पार्डिल कह सकते हैं, स्पायर कह सकते हैं। 18 का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका होगा स्पाइड्रिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पाइड्रिल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए गाइस नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, एंटोमोलॉजी, जेनियोलॉजी, एंथोलॉजी या इपिस्टेमोलॉजी, क्या कह सकते हैं आपको बताना है। द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन एंड कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, जातियों का क्या कहला सकता है, पुनः सुन लीजिए, द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन एंड कंपेरिजन, तुलना आप ह्यूमन रेसेस, मानव जाति का क्या कहलाता है, तो डियर इससे हम बोलते हैं एंथोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंथोनोलॉजी कहा जाता है, इथनोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 20, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन्स वर, एंथोनोलॉजी, जेनियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, क्या कह सकते हैं, 20 का आपको जवाब देना है। 20 का आपको जवाब देना है, पुनः सुन लीजिए, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, इसको बोलते हैं जेनियोलॉजी। वाट कैन यू से, जेनियोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए साथियों सेशन को शेयर करते रहे, लगातार क्वेश्चन पर पकड़ बनाए रखिए। वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री, इमिग्रांट कहेंगे, एलाइन कहेंगे, इमिग्रांट एक होता है, एक एलाइन होता है, एक सिटीजेंस होता है, एक इमिग्रांट होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 21 का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। वन माने हु, वन माने जो, वन माने एक, हु माने जो, गोज़ टू सेटल, जाता है इन अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में क्या होने, अरे रहने के लिए जाता, हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री, तो इसको इमिग्रांट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 21 का जो होगा आपका डी हो जाएगा, इमिग्रांट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इमिग्रांट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन इज नोन एज, क्या कहा जा सकता है, तो कॉन्सार्ट होगा, प्लेंडरर होगा, रोमियो होगा, गून होगा, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए फिलेंडरर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, उसको फिलेंडरर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट वन, वॉकिंग इन स्लीप को क्या बोलते हैं, सोमनी लोक्यूजम बोलेंगे, सोमना बुलिज्म बोलेंगे, ऑब्सेशन कहेंगे, हेलुसिनेशन कहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 23 की बात करें डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा सोमना बुलिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप राइट कर दीजिएगा। अ सबस्टेंस दैट डिस्ट्रॉयज जर्म, अ सबस्टेंस दैट डिस्ट्रॉयज जर्म, एनास्थेटिक होगा, एंटीसेप्टिक होगा, बाम होगा या एंटीडोट होगा, तो यहाँ पर डियर जो राइट ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे वो क्या हो सकता है, एंटीसेप्टिक विल बी द करेक्ट आंसर, एंटीसेप्टिक विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अ सबस्टेंस दैट डिस्ट्रॉयज जर्म, इसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक, क्या कहा जाता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। नेक्स्ट वन बात करते हैं, आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फटाफट हम लेते हैं 25 की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें तो ईजिली ड्यूब्ड आर फोल्ड को हम क्या बोलेंगे, इनसेंसिबल बोलेंगे, परसेप्टिबल बोलेंगे, गुलेबल बोलेंगे, इंडिफेंसिबल कहा जाएगा, क्या कहा जा सकता है, ईजिली ड्यूब्ड आर फोल्ड, ठीक ना, जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से
मूर्ख बना सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ग्यूलेबल विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा? गुलेबल विल बी द करेक्ट आंसर. ओके डियर, नेक्स्ट वन बात करते हैं. मर्डर ऑफ वंस ब्रदर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैट्रिसाइड होगा, रेजिसाइड होगा, होमिसाइड होगा या फैट्रिसाइड होगा? तो इसका तो आप दे ही सकते हैं, बता ही सकते हैं. फैट्रिसाइड विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा? फैट्रिसाइड विल बी द करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा. मर्डर ऑफ वंस ब्रदर क्या होता है? फैट्रिसाइड होता है. वर्ड्स डिफरेंट इन द मीनिंग बट सिमिलर इन द स्पेलिंग. देखिए, वर्ड्स डिफरेंट इन द मीनिंग बट सिमिलर इन द स्पेलिंग बार बार पूछा जा रहा. होमोनाइम कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे, क्रोनाइम कहेंगे, एंटोनिम्स कहेंगे. तो इसका जवाब आपको देना है होमोनाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 27 का जो आपका जवाब हो जाएगा डियर, वो उसको बताएंगे आप. होमोनाइम बोलते हैं. क्या होता है? वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग, जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो डिफरेंट मीनिंग में होते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है, बट सिमिलर इन द स्पेलिंग. स्पेलिंग में समान होंगे लेकिन मीनिंग में डिफरेंट हो जाएंगे, तो उनको होमोनीम बोलते हैं. ओके, तो सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन. दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है. इम्प्लेकेबल होगा, आयरोकेबल होगा, इनसेटिस्टेबल होगा या इनएक्सेसिबल होगा. तो देखिए, यहाँ पर जो आपका जवाब होगा 28 की अगर हम बात करें, तो आप इसका जवाब देंगे आयरोकेबल. आयरोकेबल जो होता है डियर, जो आयरोकेबल होता है, वो ऐसा होता है कि जिसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं. दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक ना. और इम्प्लेकेबल जो होता है शांति के लिए होता है. इनसेटिस्टेबल होता है जो संतुष्ट नहीं होता है. इनएक्सेसिबल होता है जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आयरोकेबल विल बी द करेक्ट आंसर. सो आप बी की तरफ चले जाएंगे और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा. नेक्स्ट वन, विथ मच लिवलीनेस एंड सेंस ऑफ परपोज. लाउजली होगा, जेकुलरी होगा, जीलसी होगा या जॉन्टली होगा. क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको जवाब देना है. तो यहाँ पर देखिए, विच विथ मच लिवलीनेस एंड सेंस ऑफ परपोज को हम बोलते हैं जॉन्टली. क्या बोलते हैं डियर? तो उससे हम बोलते हैं जॉन्टली. सो राइट ऑप्शन आप कर लीजिएगा, जॉन्टली विल बी द करेक्ट आंसर. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए. द पर्सन हु इज़ कन्फ्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है ना. द पर्सन हु इज़ कन्फ्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, पॉलीथीस्ट कह सकते हैं, एग्नोस्टिक कह सकते हैं, थीस्ट कह सकते हैं या सैडिस्ट कह सकते हैं. मतलब ऐसा व्यक्ति, द पर्सन हु इज़ कन्फ्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में ही जो है वो उसका अस्तित्व है या नहीं या कन्फ्यूज में रहता है, इसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक विल बी द करेक्ट आंसर. एग्नोस्टिक विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन है, द पर्सन हु राइट्स फॉर डिक्टेशन फ्रॉम समबडी. द पर्सन हु राइट्स फ्रॉम डिक्टेशन फ्रॉम समबडी. आइटिनरेट कहेंगे, ट्रैम कहेंगे, जर्नी मैन कहेंगे या अमान्यूनजीज कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? द पर्सन हु राइट्स फ्रॉम डिक्टेशन फ्रॉम समबडी, इसे डियर फ्रेंड हम बोलते हैं, क्या कह सकते हैं डियर बताइए? इसे हम बोलते हैं अमान्यूनजीज बोलते हैं, ठीक ना. अमान्यूनजीज कहा जाता है. द पर्सन हु राइट्स फ्रॉम डिक्टेशन फ्रॉम समबडी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज. केमोथेरेपी होगा या हाइड्रोथेरेपी होगा या फिजियोथेरेपी होगा या साइचोथेरेपी होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मास, तो विल बी करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा यहाँ पर जो होता है? फिजियोथेरेपी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना. फिजियोथेरेपी जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा ऑप्शन सी, फिजियोथेरेपी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लगातार सेशन को शेयर करते रहिए. द गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्ची या थेरोक्रेसी, क्या हो सकता है? 33 का आपको जवाब देना है. द गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा होता है सीधे हो जाता है ऑटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर.
ऑटो पे से विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, द गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, ऑटो पे से बोलते हैं। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, मतलब इंद्रियों के द्वारा जिसे परसीव्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, जो इंद्रियों से परे उसको हम क्या बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, इम्परसेप्टिबल बोलेंगे या इनविजिबल बोलेंगे या इनवाइटेबल बोलेंगे या इनएक्सप्लिकेबल बोलेंगे। तो ये तो देखने से ही लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं, आंसर आ ही गया होगा 34 का क्या हो सकता है, फटाफट कमेंट करते रहिए। तो 34 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इम्परसेप्टिबल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट वन, सेशन को पूरा देखें और वादा रहा पीएस क्लासेस का कि इससे बाहर एक भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आने वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ, स्टोइक होगा, हेडोनिस होगा, एपिक्योर होगा या सेंसुअल होगा, तो 35 का आपको जवाब देना है। मतलब ऐसा व्यक्ति हु बिलीव दैट प्लीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ, जो मानता है कि जीवन में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई बात है तो आनंद है, उसको बोलते हैं हेडोनिस। क्या बोलते हैं, हेडोनिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट वन, अ बिल्डिंग वेयर द ऑडियंस सीट, एक्वेरियम होगा, जिम्नेजियम होगा, ऑडिटोरियम होगा या स्टेडियम होगा। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, अ बिल्डिंग ऐसा भवन वेयर ऑडियंस सीट, जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, तो एक्वेरियम तो होगा नहीं, जिम्नेजियम होगा नहीं, स्टेडियम होगा नहीं, ऑडिटोरियम विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लीजर, पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लीजर, मोसोचिस्ट होगा, उलुप चुअरी होगा या डिपाउच होगा या एपिक्योर होगा, आपको जवाब देना है। द पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लीजर्स, 37 का आपको जवाब देना है। क्या उसे कहा जा सकता है, उससे आप बोलेंगे ओल्पचुअरी बोलते हैं। ओल्पचुअरी जो होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है, द पर्सन माने वह व्यक्ति हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लीजर, ओल्पचुअरी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं फटाफट, यहाँ पर महामैराथन मैं ले रहा हूँ, 38 का क्वेश्चन ये आ गया है, फटाफट इसको ध्यान दीजिए। टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, इंटरफेयर, इंटरेक्ट, इंटरप्ट, इंटरसीड, क्या कहा जा सकता है। टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, इसको बोलते हैं इंटरसीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन टू पार्टीज और डिस्प्यूट, इसे हम बोलते हैं इंटरसेड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं, अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे आर वैकेशन, कैशिनो बोलेंगे, म्यूजियम बोलेंगे, रिजॉर्ट बोलेंगे, सेनोटोरियम बोलेंगे, मतलब ऐसा स्थान वेयर अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुत सारे लोग गो ऑन हॉलीडे और वैकेशन छुट्टियों में जाते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उसे बोलते हैं रिजॉर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिजॉर्ट। ध्यान दीजिए, अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे और वैकेशन, ऐसे के लिए हम एक वर्ड बताएंगे, रिजॉर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, पेनेसिया होगा, इनर्सिया होगा, रिप्लिका होगा या एमनसिया होगा, तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन कर दीजिएगा, पेनेसिया विल बी द करेक्ट आंसर। 40 का क्या हो गया, ऐसी जिसको हम बोलते हैं रामबाण, क्या बोलते हैं, रामबाण कहा जाता है ना, सभी रोगों में काम करने वाली जो दवा होती है उसे रामबाण कहा जाता है, तो क्या हो गया, पेनेसिया विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड आइलेगली इन टू द कंट्री, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स, सामान लाता है इलीगली इन टू द कंट्री, एक्सपोर्टर होगा, इम्पोर्टर होगा, स्मगलर होगा, इम्पोस्टर होगा, तो बात तो समझ में आ रही है भैया, समझ में तो आई गई होगी कि 41 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, स्मगलर क्या होता है, चोरी से सामान को लाता है ना, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इन टू द कंट्री इज नोन एज स्मगलर, उसे स्मगलर कहा जाता है। चलिए फटाफट, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल,
गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ऑटोक्रेसी। 42 का आपको जवाब देना है, क्या डियर फ्रेंड हम कह सकते हैं? 42 का आपको जवाब देना है। आप बोल सकते हैं सर राइट ऑप्शन डेमोक्रेसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा डेमोक्रेसी हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, सेशन को जूम कर शेयर करते रहिए और लगातार जो है महामैराथन में जुड़े रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण साबित होगा। अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, ग्रेनरी, रिजर्वायर, ब्रेवरी या डकवर्ड। अ प्लेस ऐसा स्थान जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्वायर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और इसी के साथ प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। वन हु इज मिजरेबल एंड बी रेप्ड ऑफ ऑल पोजिशन, डिपेंडेंट, कंप्लेसेंट या डेस्टिट्यूट या ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज मिजरेबल एंड बी रेप्ड ऑफ ऑल पोजिशन, अरे मिजरेबल है, समझ रहे होंगे आप, मिजरेबल का मतलब क्या हो गया? दुखी होता है ना। ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पर कह सकते हैं डेस्टिट्यूट विल बी द करेक्ट आंसर। डेस्टिट्यूट विल बी द करेक्ट आंसर। वन हु इज मिजरेबल एंड बेरेप्ट ऑफ ऑल पोजिशन, डेस्टिट्यूट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू फील एंड एक्सप्रेस इज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, मॉर्न कहेंगे, डिसीफर कहेंगे, अप्रिसिएट कहेंगे, डेप्रिकेट कहेंगे। टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के प्रति अपनी डिसलाइक को रिप्रेजेंट करना, क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर, यहाँ पर होता है डिप्रिकेट विल बी द करेक्ट आंसर। मॉर्न तो होगा नहीं, डिसीफर भी नहीं होगा, अप्रिसिएट भी नहीं होगा, तो क्या होगा? डिप्रिकेट। क्या हो जाएगा? डिप्रिकेट मीन्स होता है टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, डिप्रिकेट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ सिली आर अनोइंग पर्सन, एप्रिसिएट, ट्वीट, ड्वार, ट्विच, क्या कह सकते हैं? टेल मी गाइस, क्या कहा जा सकता है? अ सिली आर अनोइंग पर्सन, 46 का आपको जवाब देना है। तो आप इसे कह सकते हैं ट्वीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? TWIT, ट्वीट माने होता है एक मूर्ख व्यक्ति। अ सिली आर अनोइंग पर्सन को ट्वीट बोलते हैं। TWIT विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जू, अपायरी, आर्मरी या अवेयरी। तो ये तो आप सभी जवाब दे देंगे। ऐसा स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, ऐसा स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे हम बोलते हैं अवेयरी। क्या कहा जाता है? अवेयरी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 47 का आपका आंसर दीजिएगा अवेयरी। पुनः सुन लीजिए, एवी से है, एवी से जो स्टार्ट होने वाला एवी, वो प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच वुड बर्न ईजली, ऐसी चीज़ें जो वुड बर्न ईजली, जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। इन सेंडियरी होगा या इन कैंटेटरी होगा या इन फ्लेमेबल होगा या इन कैंडिसेंट होगा। दैट विच वुड बर्न ईजली, दैट विच वुड बर्न ईजली इन फ्लेमेबल होता है, इन फ्लेमेबल कहा जाता है। और इन फ्लेमेबल जो होता है, दैट विच वुड बर्न ईजली विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखना है आपको। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, सेलर, स्टोर, गोडाउन या ग्रेनरी। अ हाउस फॉर स्टोरिंग की बात हो रही है। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, सेलर होगा, स्टोर होगा, गोडाउन होगा या ग्रेनरी होगा। तो 49 का यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो डियर, अगर हम बात करें तो ग्रेनरी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा?
ग्रेनरी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ग्रेनरी जो होता है अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट वन, वन हु टोटली अब्सटेंड फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वन हु टोटली अब्सटेंड फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या होगा? प्यूरिटन होगा, सेमेरिटन होगा, पेडेंट होगा या टी टू टेलर होगा. मतलब जो बिल्कुल अब्सटेंड फ्रॉम रहता, दूर रहता अल्कोहलिक ड्रिंक्स से, जो अल्कोहल नहीं लेता है, उसके लिए एक राइट वर्ड्स आपको बता दें. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है. टी टू टेलर कहा जाता है और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. चलिए साथियों, सेशन को झूम कर शेयर करते रहिए. लगातार महामैराथन प्रैक्टिस चल रही है और आपके अपने प्रशांत सर लगातार जो है आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए. आपसे पूछा जा रहा है अ बिलीवर इन यूज़ ऑफ आर्म्स, अ बिलीवर इन यूज़ ऑफ आर्म्स, चौफियर कहेंगे, मिलिटेरिस्ट कहेंगे, गुलीबल कहेंगे, कन्वलसेंट कहेंगे. देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जानदार आपका सफ़र होगा. यहाँ पर आप बताने की कोशिश करिए क्या कहा जाएगा. तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा कि सर ये हो जाएगा मिलिटेरिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके डियर, चलिए नेक्स्ट वन. एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून क्या कहेंगे? विंडफॉल कहेंगे, फिलेंथ्रोपी कहेंगे, बेन्योलेंस कहेंगे या टर्न स्टील बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं डियर, आपको बताना है. तो यहाँ पर आप सकते बिना मांगे मिल रहा आपको. अब जब बिना मांगे मिल रहा तो विंडफॉल विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा? विंडफॉल विल बी द करेक्ट आंसर. ओके डियर, थोड़ा सा सेशन में जो है आप आराम से बने रहें और क्वेश्चन को हम लेते जा रहे हैं, आपको बताते भी रहना है. और बारिश का समय है, मौसम भी बहुत बेहतरीन हुआ है. डिराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन आर अदर्स, deriving pleasure from inflicting pain on others, sadism कहेंगे, benevolence कहेंगे या bigotry कहेंगे या masochism कहेंगे. deriving pleasure from inflicting pain on others, ठीक है, इसके लिए आपको एक words बताने हैं. तो इसके लिए एक words जो आपको बताने हैं, बिल्कुल सही option की तरफ जाइएगा. और ये सही option क्या होगा बताइए फटाफट, ये क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर सैडिज्म विल बी द करेक्ट आंसर, सैडिज्म विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके नेक्स्ट वन, वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन केस मार्टायर, पेडेंट, फैनेटिक, पैट्रियार्क. वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन केस मार्टायर होगा, पेरेंट होगा, फैनेटिक होगा या पैट्रियाट होगा. तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहा है. और क्या हो सकता है? आपने कहा सर ये जो होता है इसे हम बोलते हैं फैनेटिक विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा? फैनेटिक विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए झूम करके सेशन को शेयर करते रहिए और फटाफट आंसर देते रहिए. वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, देखिए बार बार पूछा जाता है इसलिए इसको बार बार दिया जा रहा है. वन हु लीव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश को छोड़ दिया है और दूसरे देश में जाकर के सेटल इन अनदर, इसके लिए आपको राइट ऑप्शन बताने हैं. तो आप क्या कर सकते हैं? माइग्रेट बोल सकते हैं. क्या कर सकते हैं? फाइव का आपका जो होगा वो माइग्रेट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक ना, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर माइग्रेट बोलते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट वन, एन इमेजिनरी एन नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर्स, क्या कहा जाएगा? डिस्गाइज फॉर्म जो है फेसिमिल कहा जाएगा, सरनेम कहा जाएगा, अलाइज कहेंगे या सीडोनिम कहा जाएगा. तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इसका जवाब देना है. ठीक ना, कि एन इमेजिनरी एक काल्पनिक नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, इसे बोलते हैं सीडोनिम. क्या कहते हैं? सीडोनिम विल बी द करेक्ट आंसर, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट वन, वन हु कंपाइल डिक्शनरी, कैलीग्राफर, एडिटर, लेक्सिकोग्राफर या कंपाइलर, क्या कह सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, शब्दों को जोड़ता है,
वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, आप कह सकते हैं सर इसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लेते हैं, मेडिसिन विच लेसन पेन, ठीक ना, मेडिसिन विच लेसन पेन, बाम होगा, पेनाइसिया होगा, एस्पिरिन होगा या एंटीबायोटिक होगा, एट का आपको जवाब देना है। ऐसी दवा मेडिसिन लेसन माने जो कम करती है पेन को, उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा एस्पिरिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्पिरिन कहा जाता है, सो राइट ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट, वन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल, ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम खर्च करता है, ग्लटन होगा, माइजर होगा, इंसॉल्वेंट होगा या सक्सेशर होगा, तो डियर फ्रेंड आप जानते ही हैं कैसे व्यक्ति को माइजर ही कहना बेटर होगा, तो नाइन का सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, इंडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, इंडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन की बात हो रही है, जिसको प्लीजर और पेन से कोई मतलब ना, इंडिफरेंट हो, परजवरेंस होगा, टॉलरेंस होगा, स्टोइसिज्म होगा, रेटिसेंट होगा, क्या हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति तो स्टोइसिज्म होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है स्टोइसिज्म होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट वन, वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी, अवेरसियस, ओरेसियस, गैरुलस या ग्रीडी, बहुत आसान क्वेश्चन भाई, 11 का आपको जवाब देना है। वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी मतलब ऐसा व्यक्ति जो अधिक से अधिक धन पाने का इच्छुक हो, उससे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं अवेरसियस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवेरसियस विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द फाइटिंग, ऐसा व्यक्ति जो फाइटिंग करने के लिए क्या हो, इंटरेस्टेड हो, कॉस्मोपॉलिटन होगा, रस्टिक होगा, बेलिकोज होगा, एलायंस होगा, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा, लड़ाकू जिसको बोलते हैं ना, लड़ाकू होता है, कि बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है लड़ाकू है, बेलिकोज विल बी द करेक्ट आंसर, बेलिकोज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल, लॉन्ड्री, सीमेंट्री, ऑर्चार्ड, बोरो, क्या कहा जा सकता है, 13 का जवाब दीजिए, राइट ऑप्शन आपका लीजिएगा, बोरो बोलते हैं, बोरो, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल इज नोन एज बोरो विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए साथियों सेशन को शेयर करते रहिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, इससे बाहर एक भी आपका प्रश्न आने वाला नहीं है, चाहे हम बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें या उत्तर प्रदेश की भर्ती की बात करें या किसी भी प्रदेश की भर्ती हो, जहां पर वन व्हाट्सएप ट्यूशन की बात होगी, ये आप प्रैक्टिस सेशन पीएस क्लासेस का रामबाण साबित होगा। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझने में कठिनाई हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, पंक्टिलियस होगा, अब्स्ट्यूज होगा, अब्जर्ड होगा या अब्स्ट्यूज होगा, 14 का आपको जवाब देना है। तो आप जानते हैं जो चीज़ हार्ड होती है अंडरस्टैंड में, उसको अब्स्ट्यूज कहा जाता है, क्या बोलते हैं, अब्स्ट्यूज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वन हु डाइज फॉर ए नोबल काज, मार्टायर, स्कैनवेंजर, प्लंडरर, नोवेल, तो 15 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्टायर, मार्टायर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पर्सन हु स्पेंड टू मच, आयरोकेबल, नोवेस, माइजर, स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या कहा जा सकता है, आपको बताने की कोशिश करनी है, 16 का आपको जवाब देना है, क्या कहा जा सकता है, 16 का, तो आप कह सकते हैं सर इसे हम बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट कहा जाता है, ठीक ना, बहुत पैसा खर्च करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, 17 का लेते हैं, वन हु डील्स इन फिश, फिश मॉन्गर, हेडोनिस, सेंसुअल, एपिक्योर, अरे जो मछलियों का डीलिंग करता है, तो बहुत आसान है, मछलियों का डीलिंग करने वाला क्या कहा जाएगा, तो फिश मॉन्गर कहा जाएगा ना, क्या कहा जाएगा, फिश मॉन्गर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट बताइए, वन हु ब्रेक्स द लॉ, अग्रेसर, पॉलिटिशियन, ट्रांसग्रेसर या पेडेस्ट्रियन,
जो ला को तोड़ देता है, जो ला को जो होता है, जो कानून होता है उसको तोड़ देता है, उसे क्या बोलेंगे? वन हु ब्रेक्स द लॉज। वन हु ब्रेक्स द लॉज के बारे में अगर हम बात करें तो अग्रेसर होगा, पॉलिटिशियन होगा, ट्रांसग्रेसर होगा या पेडेस्ट्रियन होगा। 18 का आपको जवाब देना है, तो 18 के जवाब में हम बता दीजिएगा इसे सर बोलते हैं क्या, ट्रांसग्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेसर, ये मतलब ना वन हु ब्रेक्स ला, ला नियम कानून नहीं मानता है, तो ट्रांसग्रेसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द पर्सन हु डिलिबरेटली सेट फायर टू द बिल्डिंग, ठीक ना, पायरोमैनियक बोलेंगे, होलीगैन बोलेंगे, रिवेल होगा, क्रिमिनल होगा। 19 का आपको जवाब देना है, बताइए 19 का क्या जवाब हो सकता है? द पर्सन हु डिलिबरेटली सेट फायर टू द बिल्डिंग्स, पायरोमैनिक होगा, होलीगन होगा, रिवेल होगा, क्रिमिनल होगा। तो 19 का जो जवाब आपका आ रहा है डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका, 19 का जवाब दीजिए। पायरो वर्ड जो होता है ना, आपको बताया गया था ना, पायरो वर्ड जो होता है वो आग से रिलेटेड होता है, तो पायरोमैनिक विल बी द करेक्ट आंसर। 19 का पायरोमैनिक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फैट, रस्टी, एलियन, फैटलिस्ट, पेसिफिस्ट। 20 का जवाब दीजिए। फैटलिस्ट होता है ना, जो भाग में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन फैट, फैटलिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु इज़ अपॉइंटेड बाई द पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स, स्टेट्समैन, आर्बिट्रेटर, मैनागोगियूस या डिक्टेटर। 21 का आपका जवाब देना है, वन हु इज़ अपॉइंटेड बाई द पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स, मतलब किसी पार्टी के द्वारा सेटल किया गया डिस्प्यूट को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए झगड़े को, तो आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रेटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 का जवाब दीजिए, 22 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, पैलियोग्राफी, कैलीग्राफी, ड्राफ्ट्समैन, पेंटर। तो यहाँ पर तो डियर कैलियोग्राफी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैलियोग्राफी विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए, झूम करके देखते रहिए। द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक, विच होगा, विजार्ड होगा, जगलर होगा, बिब्लियोफिल होगा। अरे पुस्तक प्रेमी जो होता है, किसका प्रेमी होता है? पुस्तक प्रेमी, तो इसका क्या हो जाएगा? बिब्लियोफिल विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। चलिए धीरे धीरे सेशन को बढ़ाते रह रहे हैं। द पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, देखिए बार बार पूछा जा रहा, लेक्सिकोग्राफर, स्पिंस्टर होगा, फोटोग्राफर होगा, निहिलिस्ट होगा, क्या कहा जा सकता है? तो जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, therefore incites disorder in a state, monarchist, anarchist, autocrat या nazalit। तो ये जो होता है ना, जो गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करता है, नो गवर्नमेंट, ये अनार्चिस्ट होता है, अराजकतावादी होते हैं। ओके, चलिए प्यारे साथियों, सेशन को झूम करके शेयर करते रहिए और लगातार इस महामैराथन को देखते रहिए, बार बार देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। द पर्सन हु ब्रेक्स इमेज एंड एडॉल्स, डिवोटी होगा, आइकोनो क्लेस्ट होगा, इग्नोरेंट होगा, न्यूमेटिक होगा, नहीं बोलते हैं मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 26 का होगा आइकोनो क्लेस्ट। नेक्स्ट, अ कोनाइजियर, कोनाइजियर की स्पेलिंग पूछी जाती है, कोनाइजियर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, अ कोनाइजियर ऑफ फूड एंड ड्रिंक, पाइनिस्ट होगा, लिंग्विस्ट होगा, स्केपिस्ट होगा या गवर्नमेंट होगा। 27 का जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो राइट ऑप्शन हमारा जो होगा, गवर्नमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। इकोनाइजियर ऑफ फूड एंड ड्रिंक को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। 27 का आपका होता है। नेक्स्ट वन, प्यारे साथियों, झूम करके सेशन को अटेंड करिए और लगातार देखते रहिए।
द पर्सन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वोमेन, डाइवोर्स, टूरिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, फेमिनिस्ट। ये तो क्वेश्चन हमने कराया है। 28 का जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? फेमिनिस्ट होता है ना, फेमिनिस्ट ये होता है कि द पर्सन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वोमेन, फेमिनिस्ट बोलते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स एटीसी विथ क्ले पॉटिंग से सेरेमिक्स क्रॉकरी डायनेमिक्स, फिर रिवीजन क्वेश्चन आ रहा, अक्सर पूछा जा रहा। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, जैसे आप बर्तन बनाते हैं, ब्रिक्स है, ईंटें हैं, मिट्टियों से बनाते हैं, तो उसको सेरेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेरेमिक्स कहा जाता है। ओके, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द पर्सन हु इज गिफ्टेड विद द मैनी टैलेंट्स ब्रेक होगा, फ्रीक होगा, प्रोडिजी होगा, वर्सटाइल होगा, इफेजी होगा। द पर्सन हु इज गिफ्टेड विद मैनी टैलेंट, आपको जवाब बताना है इसका। 30 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा, आप कह सकते हैं 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वर्सटाइल होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्सटाइल विद द करेक्ट आंसर। पुनः समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? द पर्सन हु इज गिफ्टेड विथ मैनी टैलेंट, द पर्सन हु इज गिफ्टेड विथ मैनी टैलेंट इज नोन एज वर्सटाइल। नेक्स्ट बात करते हैं, वन हु स्टडीज रॉक्स एंड नॉल सॉइल्स, जियोलॉजिस्ट होगा, मैसेंजर होगा, मार्टायर होगा, एम्बिग्यूस होगा। तो देखिए, ऑप्शन से भी अगर आपने पकड़ने की कोशिश की होगी तो जियोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? जियोलॉजिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। वन हु स्टडी रॉक्स एंड सॉइल्स। ओके डियर, नेक्स्ट वन बात करते हैं, द पर्सन हु इज ए हैबिचुअल ड्रंकार्ड, द पर्सन हु इज ए हैबिचुअल ड्रंकार्ड फ्यूरियस होगा, शॉर्ट होगा, बीस्ट होगा, न्यूरोटिक होगा। क्या कहा जा सकता है? फटाफट जवाब दें। तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट कहा जाता है। क्या पूछा गया? द पर्सन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंकार्ड शॉर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, फ्लक्स या डायनेमिक। 33 का आपको जवाब देना है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इन नोन एज क्या कहेंगे? इसको फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी ग्रुप में शेयर करते रहें। द पर्सन हु कैन बी इजली बी फूल्ड एंड डिसीव्ड सुपरस्टिटियस होगा, कन्फ्यूज होगा, ग्लूबल होगा या साइनिक होगा। 34 का जवाब दीजिए, द पर्सन माने ऐसा व्यक्ति हु कैन बी इजली बी फूल्ड, जिसे बहुत आसानी से मूर्ख और धोखा दिया जा सकता है, उसके लिए एक वर्ड आपको बताने हैं। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ग्यूलिबल। ग्यूलिबल जो होता है ना, वो बहुत आसानी से मूर्ख बन जाता है, उसको धोखा दिया जा सकता है, बी फूल्ड। ओके, नेक्स्ट वन गाइस, अ पर्सन हु इज टू मच कंसर्न्ड अबाउट स्मॉल डिटेल्स आर रूल्स वेन लर्निंग और टीचिंग, जॉकी, पेडेंट, एफ्लुएंट, एंजलर्स, क्या कह सकते हैं? पुनः सुनने की कोशिश करें, अ पर्सन हु इज टू मच कंसर्न्ड अबाउट स्मॉल डिटेल्स आर रूल्स वेन लर्निंग और टीचिंग, इसको पेडेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? पेडेंट। नेक्स्ट, द पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट कन्विक्ट पेडेस्ट्रियन स्लीप या ग्लटन, तो आ ही गया होगा 36 का आंसर। द पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो ऑन फुट होता है, पैदल चलता है, उसे पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। ओके, राइट ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट वन, अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसरी
जुरिसप्रूडेंस या जुरिस्टिक क्या कहा जा सकता है? 37 का आपको जवाब देना है। अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ज्यूरिसडिक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। 37 के बाद हम बात करेंगे 38 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। वन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। वन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। 38 का आपका जवाब देना है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है ना इम्पोस्टर होता है। इम्पोस्टर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वन हुज रीजनिंग इज क्लेवर इट फॉल्स। वन हुज रीजनिंग इज क्लेवर इट फॉल्स। डिलीजेंट होगा, प्रोडिजी होगा, सोफिस्ट होगा, इफेजी होगा। 39 का आपको जवाब देना है डियर फ्रेंड। 39 का आपको जवाब देना है सोफिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सोफिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके पहले का हम लेते हैं तो आपको क्या बताया गया था? वन हु डिसीव अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी द समवन एल्स, इसे क्या बोलते हैं? तो 38 का आपको हमने बी बताया था कि इम्पोस्टर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द पर्सन हु इज इन हिज 70s सेक्सागेनारियन, सेप्टोगेनारियन, सेंटेनारियन, ऑक्टोजेनारियन, क्या कह सकते हैं? 40 की बात की जा रही है, 40 क्वेश्चन की। द पर्सन हु इज हिज 70s, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टोजेनारियन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, टू बी बाइस्ड अगेन पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, प्रेजुडिस्ड या प्रीडेस्टाइंड। राइट ऑप्शन होगा प्रेजुडिस्ट हो जाएगा, मतलब पक्षपाती होता है ना। प्रेजुडिस्ट जो होता है वो पक्षपात तरीके से कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं टू बी बाइस्ड अगेंस्ट। नेक्स्ट, वन हु हेट्स वोमेन, जो औरतों से घृणा करता है, मिसोजाइनिस्ट होगा, मिसोएंड्रिस्ट होगा, मिसएंथ्रोपिस्ट होगा या मिसोगेमिस्ट होगा। मिसोगेमिस्ट जो होता है वो विवाह से घृणा करता है, मिसएंथ्रोपिस्ट जो होता है मानवता से घृणा करता है। अब इसमें 42 का जवाब दीजिए क्या हो सकता है? 42 का अगर जो आपका जवाब होगा वो होगा मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट जो होता है ना, वन हु हेट्स वोमेन, वो औरतों से घृणा करता है, तो मिसोजाइनिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फिशेज आर कैप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, नर्सरी होगा, यार्ड होगा, टैंक होगा। तो ऑप्शन सीधे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक्वायरियम होगा। क्या होगा? एक्वायरियम विल बी द करेक्ट आंसर। एक्वायरियम में किसे रखा जाता है? मछलियों को रखा जाता है। द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफार्म्ड, द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफार्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनक्यूरेबल, इनकोरिजेबल, इनवुलनरेबल या इनडिस्पेंसिबल, क्या कहा जा सकता है? तो आप कह सकते हैं द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म, इसको इनकोरिजेबल कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म, इनकोरिजेबल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेमोरेबल रिकलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसिस ऑफ वंस लाइफ, मेमोरेबल रिकलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसिस ऑफ वंस लाइफ, बायोग्राफी, मेमोयर, टेस्टामेंट या एपिस्टल, उसको जीवन परिचय बोलते हैं। 45 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बायोग्राफी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलिए, द पर्सन हु स्टडीज थिंग्स ऑफ द पास्ट, स्विंडलर, हेडोनिस्ट, एपिक्योर, एंटीक्वायरियन। द पर्सन हु स्टडीज थिंग्स ऑफ द पास्ट, स्विंडलर होगा, हेडोनिस्ट होगा, एपिक्योर होगा, एंटीक्वायरियन होगा, क्या कहा जा सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। 46 का सभी प्यारे भाई जवाब दीजिए, एंटीक्वायरियन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा?
46 का आपका हो जाएगा एंटीक्वायरियन विल बी द करेक्ट आंसर। द पर्सन ऐसा व्यक्ति होता है हु स्टडीज, जो अध्ययन करता है थिंग्स ऑफ द पास्ट, बीते हुए जो वस्तुएं होती हैं, जो प्राचीन समय की वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करता है, तो एंटीक्वायरियन कहा जाता है। ओके नेक्स्ट वन, द पर्सन हु हैज़ मैनी लव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरिज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना शादी किए बहुत सारा अफेयर चल रहा है, वेगा बॉन्ड होगा, फिलेंडर होगा, ट्रुएंट होगा या डिलीक्वेंट होगा, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा फिलेंडर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, जहां पर मनी को क्वाइंड किया जाता है, मिंट होगा, यूटोपिया होगा, कैशिनो होगा या आर्मरी होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मिंट। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइन, ऐसा स्थान जहाँ पर मनी को क्वाइन किया जाता है वो क्या होता है, मिंट होता है। 48 का ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ डेड स्किन कास्ट ऑफ बाय द स्नेक, बाउ, स्लाउफ, पिलिंग, बोरो, क्या कहा था, 49 का आपको जवाब देना है। पुनः सुनने की कोशिश करें, द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाई ए स्नेक स्लाउ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्लाउ, LOUGH, स्लाउ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन, होमनिस्ट होगा, डोमिसाइल होगा, हेरेटिक होगा, एसेटिक होगा, आपको बताने हैं क्या हो सकता है, द पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर आपका जो जवाब होगा हेरेटिक विल बी द करेक्ट आंसर। ओके प्यारे साथियों, फटाफट जो है यहाँ पर आप जवाब देते रहिए और लगातार प्रैक्टिस में जुड़े रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। महामैराथन में आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता है पीएस क्लासेज। स्टाइल, पर्सन फुल ऑफ वर्ड्स, एक स्टाइल बोलें या एक पर्सन फुल ऑफ वर्ड्स, वर्बोज होगा, इंटरनल होगा, ऑब्स्क्योर होगा, यूनिवर्सल होगा, क्या कहा जा सकता है, राइट ऑप्शन वर्बोज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, पॉलीग्लॉट, एल्ट्रिस्ट, पेसिमिस्ट, पेसिफिस्ट, राइट ऑप्शन आपका होगा पेसिफिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अ सर्विल सीकर हु अटेम्प्ट टू विन फेवर बाय द फ्लैटरिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल, नेपोटिस्ट होगा, साइकोफेंट होगा, साइकोपैथ होगा या हेडोनिस्ट होगा। पुनः सुनिए, अ सर्विल सेल्फ सीकर हु अटेम्प्ट टू विन फेवर बाय द फ्लैटरिंग इन इन्फ्लुएंशियल पीपल को हम क्या कह सकते हैं, साइकोफेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बिलीव दैट नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ द रियल ट्रूथ कैन बी फाउंड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन रेदर देन द थ्रू रीजन एंड द सेंसेस, मिस्टिसिज्म, विटिसिज्म, सोलेसिज्म या पार्सिमोनी। डियर फ्रेंड आप कह सकते हैं, द बिलीव दैट नॉलेज ऑफ गॉड एंड रियल ट्रूथ कैन बी फाउंड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन rather than the reason and senses, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा मिस्टिसिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। मिस्टिसिज्म विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैचिंग समथिंग इन साइज, इम्पोर्टेंस एंड क्वालिटी, कमेंसुरेट होगा, डिस्क्रीट होगा, डिसिसिव होगा या एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड, तो 5 का आपको जवाब देना है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होता है कॉमन श्यूरेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन बात करें, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ द सोशल लाइफ, इसका जवाब क्या होगा, बोहेमियन होता, बोहेमियन विल बी द करेक्ट आंसर। द पर्सन हु फिशेस विथ रॉड, द पर्सन हु फिशेस विथ रॉड क्या कहा जा सकता है, एंजलर विल बी द करेक्ट आंसर। द ट्रेड्समैन हु मैनेज फिनरल
ट्रेड्समैन हु मैनेज फ्यूनरल, क्या बोल सकते हैं? अंडरटेकर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा? अंडरटेकर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एट का हो जाएगा। नाइन की तरफ चलते हैं, फटाफट हम जवाब देते जा रहे हैं। द पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, व्हाट कैन यू से? यू कैन से पॉलीथिस्ट, क्या कह सकते हैं? पॉलीथिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वन हु इज फ्रॉम 60 to 69 ईयर्स ओल्ड, व्हाट कैन यू से? यू कैन से सेक्सागेनारियन, सेक्सागेनारियन कहा जाता है। 10 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द पर्सन हु इज स्किल्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज ऑफ एनिमल्स, द पर्सन हु इज स्किल्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज ऑफ एनिमल, इसको हम क्या कह सकते हैं डियर फ्रेंड? इसे हम बोलते हैं वेटरिनेरियन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा? वेटरिनेरियन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 12 की तरफ चलते हैं, फटाफट आपको रिवीजन कराते हैं, फटाफट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसको देखते रहिए। द पर्सन हु गेट्स रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज यूजली विद पेंशन, व्हाट कैन यू से? यू कैन से सुपरनन्यूटेटेड, क्या कहेंगे? सुपरनन्यूटेटेड विल बी द करेक्ट आंसर। तो 12 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द पर्सन हु गेट्स रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज यूजली विद द पेंशन, superannuated will be the correct option. Next one की बात करते हैं। The attitudes and behavior of the people who admires people in the higher social classes too much and has no respect for the people in the lower social class. Attitudes and behavior of the people who admires people in the higher social classes too much and has no respect for the people in the lower classes, क्या कह सकते हैं? स्नोबरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्नोबरी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों सेशन को शेयर करते रहिए। डिटेनिंग एंड कन्फर्मिंग समवन इज नोन एज, व्हाट कैन यू से? तो आप कह सकते हैं कि डियर फ्रेंड इसको बोलते हैं इंटरमेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंटरमेंट कहा जाता है, ठीक है? Detaining and confining someone. Next one. The students who runs away from the class without permission. ऐसा स्टूडेंट जो बिना परमिशन के क्लास से चला गया हो, ट्रुएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रुएंट। The student who runs away from the class without permission, ट्रुएंट will be the correct answer. Next one. A trick or plan that you use to gain an advantage or to trick an opponent. Crypt होगा, stratagem होगा, edifice होगा या circumlocution हो सकता है। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताने हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये जो होता है ना stratagem होता है, क्या होता है? stratagem will be the correct answer हो जाएगा। A trick or plan that you use to gain an advantage or trick to opponent. Next, the person burn up unmarried parents. इसके लिए आपको राइट ऑप्शन देना है, सीधे राइट ऑप्शन आप दे दीजिएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इलेजिटिमेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट वन, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, sole right to make and sell some invention. Franchise होगा, authorize होगा, leadership होगा, patent होगा, क्या कहा जा सकता है? तो डियर फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है क्या हो जाएगा? चलिए 18 का जो होगा आपका patent will be the correct answer, ठीक है ना? 18 का क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, effeminate, slave, handpacked, शम क्या कहा जा सकता है? तो आप कह सकते हैं सर handpacked will be the correct option. Handpacked will be the correct option. A man who dances to tunes of his wife. चलिए साथियों नेक्स्ट वन क्वेश्चन को लेते हैं। A person who travels
टू अ सेक्रेट प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन. हर्मिट होगा, पिलग्रिम होगा, सेंट होगा, मैंडिकेंट होगा, क्या कहा जा सकता है? आप कह सकते हैं कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेट प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन इज नोन एज, क्या कहेंगे डियर? पिलग्रिम कहा जाता है, तीर्थयात्री कहा जाता है. पूरा सुन लीजिए. अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेट प्लेस, पवित्र स्थान पर, एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन इज नोन एज, क्या कहेंगे? पिलग्रिम कहा जाता है. नेक्स्ट. अ शॉर्ट पोयम आर स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा. अ शॉर्ट पोयम आर स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा. प्रोलॉग कहेंगे, डायलॉग कहेंगे, एपिलॉग कहेंगे या मोनोलॉग कहेंगे. ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इससे हम क्या बोलते हैं? एपिलॉग विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द पर्सन हु इज गुड जज अ पार्ट म्यूजिक टेस्ट कोनाइजियर, स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, वेटरन, ओरेटर, ग्लटन, क्या हो सकता है डियर? फटाफट जवाब दें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए बहुत प्यारा सा, ये स्पेलिंग भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत प्यारी सी स्पेलिंग है कोनाइजियर, ठीक ना. द पर्सन हु इज़ गुड जज ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो संगीत और कला का बहुत अच्छे से जज कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? कोनाइजियर विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. द पर्सन हु इज एंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर गेन. अल्ट्रूइस्ट, अमेच्योर, घोस्ट, टर्नकोट, क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है डियर? आपको बताना है. द पर्सन हु इज एंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर गेन. 23rd का आपको जवाब देना है. तो आप तो जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? शौकिया बोलते हैं. अमेच्योर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. वन हु लेंड्स मनी एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉल्वेंट बोलेंगे, एक्सोरियस कहेंगे, यूजरर कहेंगे या यूकुलिस्ट बोलेंगे. ऐसा व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट पर मनी को लेता है. तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आपका है 24 का. बताइए क्या होगा? यूजरर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्या हो जाएगा? यूजरर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन. आगे बात करें. अ वेरी बैड मोरल characterized by debasement or degeneration को क्या कहा जाएगा? चलिए बताइए. डिसोल्टरी कहेंगे, dilapidated कहेंगे, depraved कहेंगे या dilatory कहेंगे. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा depraved हो जाएगा. क्या पूछा जा रहा है? A very bad morals characterized by the debasement or degeneration depraved कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट वन डियर. द पर्सन हु डिवोट्स हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. 26 का जवाब दीजिए. ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं. एल्ट्रिस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. परोपकारी बोलते हैं. वन हु कैन नॉट डाई, स्टेबल, इमोर्टल, परपेचुअल या पेरेनियल. 27 का आपको जवाब देना है. जिसको जो वन हु कैन नॉट डाई, जो मरे ना, अमृतत्व जिसको प्राप्त हो, उसको तो इमोर्टल बोलते हैं ना. क्या बोलते हैं? इमोर्टल विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट. कैकोग्राफिस्ट होगा, कैलीग्राफिस्ट होगा, इंसॉल्वेंट होगा, पेडेंट होगा. तो ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. इंसॉल्वेंट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का. चलिए जनाब सरकार, लेडीज एंड लेडा, जूम कर शेयर करते रहिए. An actor in the theatrical performance whose business is to make people laugh through his action or talk. Comedian, joker, buffoon या acrobat. क्या कहा जाएगा? ध्यान से सुनिए और इसका जवाब दीजिए. An actor in the theatrical performance whose business is to make people laugh through his action to talk. Comedian, joker, buffoon या acrobat. हम क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं कॉमेडियन.
29 का आपको बताना है, 29 का क्या हो जाएगा? कॉमेडियन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, अ पॉलिटिकल मोमेंट दैट बिलीव्स इन एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द स्टेट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। इट एम्स एट क्रिएटिंग ए सोसाइटी इन विच एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेपोटिज्म या अथॉरिटेरियनिज्म क्या कहा जा सकता है? तो डियर फ्रेंड, जो राइट ऑप्शन हमारा होगा, कम्युनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए झूम करके, एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी को हम बोलते हैं डिलीरियस। क्या बोलेंगे? डिलीरियस विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सीधे जवाब हम दे देते हैं। नेक्स्ट है, आइरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक को हम क्या कह सकते हैं? 32 का जवाब देना है। क्या कहा जा सकता है? बोलते हैं डिप्सोमैनिया। क्या कहा जाता है? तो 32 का जो होगा डिप्सोमैनिया, आइरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक ना? तो बोलते हैं डिप्सोमैनिया विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लगातार सेशन को शेयर करते रहिए, महामैराथन। द पर्सन हु फोरटेल द फ्यूचर, इंट्रडर, वल्गर, प्रोफेट या वेंडल हो सकता है। तो 33 का जवाब बताने की कोशिश करिए। जो भविष्य का वक्ता होता है प्रोफेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफेट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, गैरुलस, ट्रुएंट, ऑरेटर, फिजिटिव। 34 का जवाब दीजिए, क्या होगा? द पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, द पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ। 34 का आपको जवाब देना है डियर फ्रेंड्स, 34 का। उससे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजिटिव। क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनथैंकफुल पर्सन इन टेन स्टेट इंग्रेट आयरेसिबल्स मोशाइक। अनथैंकफुल पर्सन को क्या बोलेंगे? तो आप कह सकते हैं इनग्रेट होता है सर। ये क्या होता है? इनग्रेट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए। 37, क्या एक क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? एक बार देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड यहां पर पूछा है, 36 देख लीजिए। 35 का आंसर हमने क्या बताया? अनथैंकफुल पर्सन। तो 35 का जो जवाब होगा इनग्रेट हो गया, और 36 छूट रहा था। Attribution of something to a period of a time to which it does not belong. पुनः सुन लीजिए, Attribution of something to a period of time to, कह सकते हैं, which it does not belong. क्या कहा जा सकता है? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं, एनवायमिटी, आर्चाइज्म, विटिसिज्म या नार्कोनिज्म। 36 का आपको जवाब देना है, 36 को आपको जवाब देना है, तो होगा अनार्कोजिम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर क्या होगा? इजोसेंट्रिक होगा, इजोस्टिक होगा, एगोमैनियाक होगा या स्टोइक होगा। किसी भी चीज़ को अपनी दृष्टि से देखना तो इजोसेंट्रिक होता है। क्या होता है? इजोसेंट्रिक विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल्स, पोलोग्लाइट्स होगा, कॉस्मोपोलिटिन होगा, प्रॉफिट होगा, हाउकर होगा। 38 का आपको जवाब देना है, 38 का होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर, हाउकर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट वन, लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच विथ क्वान्टिटी एंड प्राइस टू परचेजर इज नोन एज। क्या कहा जाता है?
तो ये तो आप जानते होंगे 39 का जवाब आ ही जाएगा, इनवाइस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनवाइस, लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू परचेजर, इनवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, 40 का आंसर देना है तो आप बोल दीजिएगा इनक्रेडिबल, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इनक्रेडिबल विल बी द करेक्ट आंसर। वन हु इज प्रेजेंटेड एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंटेड एवरीवेयर क्या कहेंगे, टेल मी, तो राइट आंसर 41 का बोल दीजिएगा ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वत्र क्या हो, प्रेजेंट हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा भी जाता है। वन हु लेंड्स मनी एंड कीप्स गुड एज सिक्योरिटी, वन हु लेंड्स मनी एंड कीप्स गुड एज सिक्योरिटी, 42 का आंसर देना है, उसको क्या बोलते हैं, पाउन ब्रोकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाउन ब्रोकर। अबू का अकाउंट सोविंग डेबिट एंड क्रेडिट, लेजर कहेंगे, डायरेक्टरी कहेंगे, कन्वॉय कहेंगे, कैप्शन कहेंगे, 43 का आपको जवाब देना है, तो लेजर कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेजर। अ बुक ऑफ अकाउंट शोविंग डेबिट एंड क्रेडिट इज नोन एज लेजर। नेक्स्ट, साइंस डीलिंग विद द बर्ड्स लाइफ, जिमोलॉजी, एरिंथोलॉजी, इटाइमोलॉजी, फिलोलॉजी, क्या कहा जा सकता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु इज ए हैबिचुअल ड्रंकर, स्पाई, सॉट, एमिसरी, एग्जोरियस, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर, और हैबिचुअल ड्रंकर वो आदती हो पीने का, उसे क्या कहेंगे, तो आप उसे सॉट बोलते हैं, यस ओ टी, सॉट, एस ओ टी क्या कहेंगे, सॉट विल बी द करेक्ट आंसर। वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, अब इसको तो बता ही ले जाएंगे, हैं, वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, इसको क्या बोलेंगे, 46 का जवाब देना है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी से बना हुआ है, सेंटेनेरियन विल बी द करेक्ट आंसर। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अब बीज के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अ पायरी होगा, वायरी होगा, ऑर्चार्ड होगा, पार्क होगा, तो 47 का आप बोल दीजिएगा कि एपी जो होता है, एपी ये बीज से होता है, एपी बीज हो जाएगा मधुमक्खी। सर्कुलर बिल्डिंग आर हॉल विथ अ डोम, डम, एडिफिस होगा, पैलेस होगा, रोटुंडा होगा या स्पायर होगा, 48 का जवाब आपको देना है डियर, फटाफट आंसर देते जाइए, तो रोटुंडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोटुंडा विल बी द करेक्ट आंसर। सर्कुलर बिल्डिंग आर हॉल विथ डोम, रोटुंडा। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, सामान को जहाँ रखा जाता है भाई, 49 का क्या होगा, डिपो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिपो। पूछा जा रहा है कि प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, तो इससे हम डिपो बोलते हैं, रिजर्वर के बारे में बताया, ग्रीनरी के बारे में, वार्डरोब के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, रिजॉर्ट होगा, असाइलम होगा, मोनास्ट्री होगा, ऑडिटोरियम होगा, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या हो जाएगा डियर, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, आपने कहा सर ये हो जाएगा, मोनास्ट्री विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सभी के भारी डिमांड पर लगातार महा मैराथन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वन और सब ट्यूशन का, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आगे लगी हुई हैं उन सभी में ये काम करेगा, इन मास्टर वीडियो को आप ज़रूर देखें और देखने के बाद परीक्षा देने जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर वीडियो में, महा मैराथन में, थैंक यू सो मच एवरीवन।